Let's do question number 24th of exercise 15B, that is volume and surface area of solid. Question number 24th is, a juice cellar has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. ये कह रहा है एक juice cellar के पास एक cylindrical shape का एक vessel है जिसके base की radius दे रखी है हमें 15 centimeter और height दे रखी है हमें 32 centimeter, right friends? आगे क्या कह रहा है वो? The juice is filled in small cylindrical glass. एक ये juice इसमें से filled किया गया glass में. Cylindrical form का ही ये glass था, जिसकी radius 3 centimeter. ये radius हमारा 3 centimeter दे रखा है और height 8 centimeter दे रखी है, right friends? अब देखिए and sold for rupees 15 each. और ये उसने 15 रुपए का एक glass बेचा. How many money does he receive by selling the juice completely? तो उसको ये juice जो पूरा था भरा हुआ उसको sell out करने में उसे कितने पैसे मिले होंगे? वो सारा juice बेचेगा तो कितना उसको मिलेगा? तो friends ये juice पूरा filled है cylindrical tank में, cylindrical vessel में. तो हम क्या निकालेंगे? जब अंदर कोई चीज भरी हुई होती है तो हम volume निकालते हैं. तो volume हम निकालेंगे. वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का, हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर की, राइट फ्रेंड्स? तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल निकालेंगे. सिलेंड्रिकल वेसल निकालेंगे पहले. तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर स्क्वायर इज 15, तो 15 × 15, एच इज 32, राइट फ्रेंड्स? अब हमारा ये कुछ नहीं कट रहा है तो हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे का नीचे. तो हमें पता है 22 × 15 करेंगे हम सबसे पहले. 22 × 15, तो 5 × 2 = 10 कैरी 1, 5 × 2 = 10 and 11, 1 × 2 and 1 × 2 = 2. तो आ गया 0 3 3 3 30 हो गया. अब 32 × 15, 32 × 15, 5 × 2 = 10 कैरी 1, 3 × 5 = 15 16, 2 and 3 तो ये आ गया 480. एक एक जीरो दोनों की है तो दोनों की एक एक जीरो लगा दे. अब 48 × 33, 48 × 33, 3 8s are 24, 12 and 13 14, 3 8s are 24, 2 carry, 3 4s are 12 13 14, 4 8 5 and 1 तो ये आ गया 1584/7 सेंटीमीटर क्यूब. इतना उसमें जूस था, राइट फ्रेंड्स? सिलेंड्रिकल वेसल में. अब ग्लास में कितना जूस भरा गया वो निकालते हैं हम. वॉल्यूम of juice in glass, in one glass, sorry. तो one glass का फिर से volume निकालेंगे. pi square h, तो कितना आया? 22/7 × r कितना था हमारा? 3 centimeter, तो 3 × 3 और height थी हमारी 8. तो इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है तो हम directly multiply कर लेंगे. ये देखिए 22 × 3 = 66 and 3 8s = 24, right? 4 6s = 24, 4 6s are 24, 25 and 26, 2 6s are 12 carry 1, 2 6s are 12 and 13, तो ये आ गया 4 8 5 and 1, 1 5 8 4/7 सेंटीमीटर क्यूब. ये ग्लास का वॉल्यूम आ गया कि कितना जूस आया. अब हमें नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें रेट जो दे रखा है वो 15 रुपए एक ग्लास का दे रखा है. तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ ग्लास कितने उसने बेचे, तो क्या करेंगे? बड़े को वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, राइट फ्रेंड्स? तो ये कितना आ गया? दिस 158400
डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय दिस 1584 डिवाइडेड बाय 7। तो ये देखिए ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आगे 1584 डबल 0.7, ये तो एज इट इज आया, यहाँ नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला इस इक्वेशन का नीचे जाता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में हो तो ये आता है a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो यहाँ ये a था, ये b था, ये c था और ये d था, राइट फ्रेंड्स। आप देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये भी 1584 है, ये भी 1584 है, दैट मीन्स 100 बजिया, तो ग्लासेस कितने आ गए 100। तो हमारी कॉस्ट निकालनी है हमें कि कॉस्ट ऑफ हमें क्या निकाला, हाउ मच मनी डज ही रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। तो वन ग्लास ऑफ जूस कितने का था, ऑफ जूस इक्वल्स टू रुपीज 15 का था। अब एक ग्लास का दिया हुआ है, अब हमें 100 ग्लासेस का निकालना है, 100 ग्लास ऑफ जूस कितने का आएगा, दैट इज 15 into 100, that is rupees 1500 is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.